चार राशियां और उनकी सबसे नेगेटिव क्वालिटीज क्या होती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एरीज। इनमें अच्छी बात तो यह है कि ये इनिशिएटर होते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए दृढ़ता और डिसिप्लिन से काम करते हैं, पर ये अपने काम के प्रति काफी इमोशनल भी हो सकते हैं, जो कि इन्हें नहीं होना चाहिए, और अपने खर्चे को कंट्रोल में रखना चाहिए। वृषभ। बहुत ज्यादा स्टबर्न नहीं होना चाहिए आपको, और हमेशा कोई भी चीज बिना कंप्लीट जांच किए नहीं माननी चाहिए आपको। आप हमेशा शानो शौकत पाने के आसान तरीके ढूंढते रहते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अब आते हैं मिथुन राशि पर। ड्युअलिटी आपकी प्राइमरी पर्सनैलिटी है। आप हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं और लाइफ आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे दे, लेकिन सही पाथ चूज करने में आप हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। और अब कर्क राशि। आप दिल और दिमाग के बीच सोचने की प्रक्रिया में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपका इमोशनल करेक्टरिस्टिक, आपका नेचर आपको निगोशिएटिंग के टाइम के ऊपर बहुत अच्छा एज प्रोवाइड करता है और आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनाता है।